सुदर्शन का पौधा है और सुदर्शन बहुत लाभकारी है। इसको आप देख सकते हैं लंबा लंबा ये आपका इसका पत्ता है और ये कितना हमारे लिए शुभ है। यदि गांव में किसी को कान में दर्द हो जाए, कान में दर्द होता है, कितना तकलीफदायी होता है, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आग में सेक देना है। क्या करना है इसको? आग में सेक, हाँ सेक देना है इसको आग में, और इसको मसल करके रस निकाल के और 5 बूंद कान में डाल देना है जिसमें दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कान दर्द के लिए, कान बहने के लिए ये बहुत लाभकारी है। ये भी आपके विद्यालय में लगा हुआ है, तो औषधीय पौधों का संरक्षण भी करना है और उसको अपने घर में भी लगाना है। इसे भी आप गमला में लगा सकते हैं, उसमें से जो अलग से कोपल निकलता है जड़ से, उसको काट कर उसको उखाड़ करके और गमले में लगा दीजिए, तो आप सुदर्शन के पौधे का भी इस्तेमाल आप लोग कान में, कान के किसी प्रकार की समस्याएं हैं जिससे सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है, बहने लगता है, उसमें हम लोग सुदर्शन पौधे का इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे। तो आप लोग इस पत्ते का क्या नाम है? सुदर्शन। और इसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? कान के लिए, कान के दर्द। तो सबको जानकारी रखनी है और जब किसी को तकलीफ हो तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना है।